गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कनेक्ट चैनल्स। तो आज बायोलॉजी क्लास का आपका नेक्स्ट लेक्चर है बायो मॉलिक्यूल्स का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके बाद यहाँ से क्या होता है आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कि क्या क्या आपको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है, क्या आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। ध्यान देंगे आप बात को। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और एक होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा होता है, और एक होता है आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, MAC माइक्रो मॉलिक्यूल। तो यही दोनों का हम लोग का स्टडी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए बायो माइक्रो मतलब स्मॉल पार्ट होता है, ये बड़ा वाला पार्ट है। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है ध्यान देंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पे एमिनो एसिड पढ़ना होगा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स। उसके बाद है आपका न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस में आपका आ जाएगा जैसे कि DNA का जो होता है नाइट्रोजीनियस बेसिस, और RNA का जैसे कि ग्वानिन हो गया, एडिनिन हो गया, साइटोसिन, थियामिन और यूरासिल। ये सब इसके अंतर्गत आएगा बायो आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये वाला में आएगा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ सकता है। इसमें थोड़ा सा जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, मतलब प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन से शुरू करते हैं, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया। तो ये सब है, न्यूक्लिक एसिड हो गए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड होता है DNA और RNA। ये सब केस में आ जाएगा बायो, मतलब कि ये होता है जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपका एक तरह से कह सकते हैं पॉलीमेरिक होता है, दे आर जनरली पॉलीमर होता है। और ये होता है आपका मोनोमर। ये क्या होता है, मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है एक छोटा यूनिट, और पॉलीमर का मतलब होता है बड़ा यूनिट। आपने देख रखा है कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो कि रिटेंटेड पार्टिकल थे और फिल्टरेट पार्टिकल्स है। तो ये सब पार्टिकल्स क्या था, रिटेंटेड वाले थे, ये सब क्या था, फिल्टरेट पार्टिकल्स है। जब हम कह सकते हैं ये भी कि ये सारे जो पार्टिकल्स इधर वाला देख रहे हैं, एसिड एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आता है। और ये वाला पार्ट आता है एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। ध्यान देंगे ये सब एसिड सॉल्युबल पूल है जिसको बोलते हैं। ये सब क्या था, फिल्टरेट था, ये सब क्या था, फिल्टरेट था, फिल्टरेट। जब हम लोग ऑर्गेनिक एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ पे फिल्टरेट था, ये था रिटेंटेड, रिटेंटेड जो कि आपका ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया था, ये सब था। और फिल्टर पेपर से जो पास कर गया था ये था, तो फिल्टर पेपर से पास कर गया था उसको कह सकते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो कि रिटेंटेड पार्टिकल्स थे, रिटेंटेड आपका केमिकल स्पीसीज थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या था, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर है। हाँ, बायो माइक्रो और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में अंतर आपको समझा दिए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, इनसॉल्युबल पूल और एक सॉल्युबल पूल के अंतर्गत आता है। चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जाना नहीं है, सीख के ही जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो अमीनो एसिड है, देखिए चैप्टर के अंतर्गत आपको बता दे रहे हैं, इसी से पता चल जा रहा है क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, किस तरह से पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट हम लेंगे अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे। अमीनो एसिड से इंटरलिंकेज है प्रोटीन, तो अमीनो एसिड के बाद हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन आपको बताया जाएगा, कितने प्रकार का होगा, के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी क्वार्टरनरी, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद सिमिलरली क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं एंजाइम के बारे में है। उसके बाद आपका नाइट्रोजीनियस बेसिस, DNA RNA के बारे में फाइनली डिस्कशन इस चैप्टर्स में होने वाला है, ठीक है। फिर पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन, ये सब का इसमें डिस्कशन होने वाला है। तो आप चैनल के साथ बने रहें, स्टार्ट होगा। देखिए हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं किससे, आपका अमीनो एसिड्स, किससे आज हम लोग बात करेंगे, अमीनो एसिड्स।
तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड्स क्या होता है कि देखिए, सुनने से लग रहा है कि इसमें एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। तो इसमें दो ग्रुप आपको मिलने वाला है एमिनो एसिड्स में। पहला क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आपको आपकी मुलाकात होगी, दूसरा मुलाकात आपकी होगी एमिनो ग्रुप से। ठीक है, अगर आप कोई भी एमिनो एसिड्स पढ़ रहे हैं, मीन्स कह सकते हैं आपका प्रोटीन का कोई मोनोमर पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो फंक्शनल ग्रुप जरूर होगा, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा एमिनो ग्रुप। इसलिए हम लोग कलेक्टिवली इसको क्या बुलाते हैं, एमिनो एसिड के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे मौजूद होते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है अल्फा कार्बन पे मौजूद होते हैं, इसलिए इसको अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं। इसका ये अल्फा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, तो ये फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप को बोलते हैं एमिनो ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं एमिनो ग्रुप, और इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बुलाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड का। ये क्या होगी, एक तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन किसका है, एमिनो एसिड को, जिसको आपको नोट कर लेना है, आप कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पे जनरल है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो ये होगी देखिए CH CoH ग्रुप और NH2 ग्रुप क्या होगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये ग्रुप बदलने वाला नहीं है। एक्चुअली ये बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, देखिए NCERT में इस बात का जिक्र भी है, मीथेन, मीथेन का सब्सटीट्यूट है। ठीक है, सब्सटीट्यूट है ये मीथेन का, CH4 क्या है, मीथेन है। यहाँ से एक हटाइएगा तो ये लगाइएगा, और यहाँ से एक हटाइएगा, हटेगा तो क्या लगेगा, ये कार्बोक्सिलिक लगा, फिर यहाँ से एक H, ये हटने पे क्या आ जाए, लाए एमिनो ग्रुप लग गया। ठीक है, इसको हटा के क्या लगाइएगा, R ग्रुप लगाइएगा। ठीक है, तो ये और ये ग्रुप क्या होगा, CoHO ग्रुप, और ये ग्रुप क्या रहेगा, ये दोनों ग्रुप क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये बदलने वाला ग्रुप नहीं है, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड के लिए ये दो ग्रुप बहुत ज़रूरी है, ये दो ग्रुप बहुत ज़रूरी है अल्फा एमिनो एसिड होने के लिए। तो ये R क्या है, R वेरिएबल है, R वेरिएबल का मतलब है R हो सकता है चेंजेबल हो सकता है, जैसे कि R की जगह पे बदल सकता है कोई भी चीज़, R की जगह पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, आपका C2H5 हो सकता है। तो R क्या है, यहाँ पे जो R है, R क्या है, R इक्वल टू वेरिएबल, R का वेरिएबल है, R क्या होता है, बदल सकता है, लेकिन ये सब फिक्स रहेगा। R बदलने पर क्या होगा, अलग अलग एमिनो एसिड को नाम मिलने वाला है, जैसे आर अगर आ गया कुछ एच, सपोज आर की जगह पर अगर एच रख दिए हम, ध्यान देंगे आर की जगह पर एच रख देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, ये एच हो गया, ये सी है, एच है, NH2 है और COOH है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 NH2 और COOH। तो इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है, याद रखे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे सिंपलेस्ट। क्वेश्चन आता है कि नेम द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स अमंग ऑल द एमिनो एसिड, सभी एमिनो एसिड में सबसे साधारण एमिनो एसिड कौन है। तो आपको इस बात, ये बात हमेशा याद होना चाहिए, कहीं भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए, कि आपका ये जो है ग्लाइसिन है द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड के अंतर्गत ये आता है, ग्लाइसिन। ठीक है, और ग्लाइसिन एक ऐसा है जिसमें कि बाद में बताया जाएगा कि ये आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के अंदर भी ये काउंट होता है। जब हम टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड बताएंगे तब वहाँ पे ये क्लासिफाई करेंगे विच आर एसेंशियल और विच आर नॉन एसेंशियल। इज इट क्लियर, आपको चैनल छोड़ के जाना नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। आज आपका बायो मॉलिक्यूल्स के जो एमिनो एसिड्स है, बहुत सारी मतलब कि आपका जो भी फंसा हुआ चीज़ है वो सब सीख जाओगे इसी लेक्चर्स में, आप ध्यान देंगे। तो आप समझ गए कि एमिनो एसिड्स के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए, ये सब। अब बात आती है कि देखिए एमिनो एसिड, तो सबसे पहले अल्फा एमिनो एसिड हम लोग यूज करते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स कैसा होता है, एमिनो एसिड का ये एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आता है, मतलब ये कह सकते हैं बायो क्या है, ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ये क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ये बायो का बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और ये आता है एसिड सॉल्युबल पूल के अंतर्गत आता है, किसमें आता है, एसिड सॉल्युबल पूल।
जो फिल्टरेट में मिला था हमें, ठीक है, मतलब कि यार ये क्या है, एक तरह से मोनोमर है। पूछिएगा किसका मोनोमर है, तो आपको बोलना है प्रोटीन का मोनोमर है। इट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या है, ये मोनोमर है, प्रोटीन का मोनोमर है। कौन मोनोमर है प्रोटीन का, अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन करते हैं तभी जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तब हम कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन से हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट खींच ले, प्रोटीन का एक कोई पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो आपको बोलना होगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सबसे छोटा सा इकाई है। और इसी इकाई को मिलने से, इसी यूनिट को मिलने से एक आपका बड़ा सा चेन मिलता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं प्रोटीन। बहुत बड़ा सा आपका मॉलिकुलर मॉलिकुल्स मिलता है जिसके कि हाई मॉलिकुलर मास होते हैं, उसी को बुलाते हैं प्रोटीन, ठीक है। जब प्रोटीन आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, अभी तो मैं चल रहा हूँ एमिनो एसिड्स में। अब बात आती है एमिनो एसिड्स क्या है, यहाँ तो समझ गए कि एमिनो एसिड्स क्या, मैं कुछ प्रकार बताऊँगा, ठीक है, कि एमिनो एसिड्स को बांटा गया है। सबसे पहले देखिए कि और चर्चा होगा कि ज्यूटर आयन का चर्चा किया है एनसीईआरटी, ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन ध्यान देंगे, बड़ा ही आसान चीज़ है आपको। देखिए बायोमोलिकुल्स पढ़ने के लिए क्या है, आपको फ़ायदा क्या है बायोमोलिकुल्स पढ़ने से, कि आपको इससे क्वेश्चंस जो है हमेशा केमिस्ट्री वाला ही बायोमोलिकुल्स आपका कवर हो रहा है। और इस बायोमोलिकुल्स को मिला के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर से अगर हमको 5 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है स्टूडेंट की। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे फ़ायदा होगा कि एक तो 11 में सीख जाओ बायोमोलिकुल्स, इसका यूज आप करोगे क्लास 11th में केमिस्ट्री में बायोमोलिकुल्स, इसलिए सीखना काफ़ी जरूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ज्यूटर आयन्स क्या है, देखिए ज्यूटर आयन्स बोला जाता है कि सिंपल सा समझिए ज्यूटर आयन्स, सिंपल तरीके से, कॉम्प्लिकेट तरीके से समझना ही नहीं है, एकदम तरीके से। पहले मैं अमीनो एसिड लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दिया आर, ठीक है, ये हो गया आपका, ऐसे भी लिख सकते हो आप अमीनो एसिड को, सी एच हो गया, ये आर, आर कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन एक जगह आर तो देना है, इसलिए मैं अलग तरीके से भी लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। आर ये यहाँ भी हो सकता है, ये NH2 यहाँ भी हो सकता है, ये आर यहाँ भी हो सकता है, NH2 यहाँ, मतलब कि पोजीशन कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा अल्फा पे है। यहाँ चेंज करने के बावजूद भी क्या है, ये अल्फा पे भी है। ये हो गया एमिनो एसिड्स, ये हो गया आपका एमिनो एसिड, ध्यान रखिए क्या है, एमिनो एसिड्स है ये, तो एमिनो एसिड्स ये है। अब कहता है ध्यान देंगे, अगर इस एमिनो एसिड्स को वाटर में डालेंगे, ठीक है, वाटर में कहता है वाटर में डालिए या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालिए, ठीक है, वाटर में डालिए या न्यूट्रल सॉल्यूशन में, इसको बोलते हैं। तो यहाँ कोई भी चीज़ को वाटर में डालेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का है, वाटर में डालने पे क्या होगा, इसका H+ क्या होगा, H+ निकल जाएगा, जो भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होंगे निकलना शुरू होंगे, तो ये H+ जैसे ही यहाँ से निकलेगा, H+ क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा, इस एसिड से H+ निकल जाएगा, और ये H+ यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, क्या बनाएगा, इस H+ यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, ध्यान देंगे, इस H+ यहाँ से माइग्रेट होने पे ये NH2 और H+ मिलके क्या बनाएगा, ध्यान देंगे, ये बनाएगा आपका NH3+, क्या बनाएगा, NH का 3+ बनाएगा, और यहाँ से ये H+ निकल चुका है, ध्यान देंगे, इसमें डाले थे तो H+ निकल गया, H+ कहाँ पे चला गया, माइग्रेट कर गया NH2 के पास, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, मीन्स अल्फा एमिनो एसिड पे, मतलब एमिनो एसिड पे आप क्या देख रहे हैं, दो थो एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक निगेटिव चार्ज आया, इसी को बोलते हैं डाइपोलर, इसी को बोलते हैं डाइपोलर, डाइपोलर बोला जाता है, मतलब कह सकते हैं जब वाटर में डालते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं, तो एमिनो एसिड पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आता है, इसी को बोलते हैं डाइपोलर आयन, या फिर इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन के नाम से इसको जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन आप चैनल के साथ बने रहेंगे और देखते रहिए, इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन आपका क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है, एमिनो एसिड को अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में डाल देते हो तो H+ क्या होगा, H+ कहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, NH2 ग्रुप के पास, बन जाएगा NH3+,
और CO माइनस रह जाएगा, एक एक पार्ट पे आपका निगेटिव, दूसरे पार्ट पे पॉजिटिव, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोलर आयन विच इज कॉल्ड ज़ेटर आयन, उसको क्या बोलते हैं, ज़ेटर आयन के नाम से जाना जाता है। अब ये हो गया आपका न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं। अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन में डाल दूँ, एसिडिक सोल्यूशन में डालने का मतलब जैसे कि RNH2 है, क्या है यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से दिखता है RNH, RCH हो गया, ये COH है और ये NH2 है। सपोज मैं यहाँ पे ये NH2 रखता हूँ, NH2 है, यहाँ पे क्या डाल दिए हम, यहाँ पे R ग्रुप है। अब कहता है इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालने के लिए, एसिडिक सोल्यूशन का मतलब है जिस सोल्यूशन का pH क्या हो, जिस सोल्यूशन का pH आपका लेस देन 7 हो। अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, एसिडिक सोल्यूशन में डालने का मतलब है कि H+ के साथ H+ में डाल रहे हैं, इसको किसमें डाल रहे हैं, H+ में डाल रहे हैं, तो H+ कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये H+ के लिए एक साइट बना हुआ है जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, यहाँ पे चला जाएगा ये, तो ये बना देगा फिर NH3+ और ये CH और ये R और ये COH। ये कब हुआ, ऐसा कहानी कब हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव बना, क्या बना, एक तरह से पॉजिटिव आयन बना है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल पे एक जगह पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आयन बना है। इसी को अगर बेसिक सॉल्यूशन में मैं डाल दूँ तो क्या बनेगा, अगर मान लें इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देंगे, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है OH-, H+ को खींच के ले जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2 CH और ये R और ये हो जाएगा आपका COO-, ध्यान देंगे। तो इस तरह से यहाँ से OH- CH+ क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे H+ लेके चल जाएगा, OH- H2O बच जाएगा ये, जिसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन बना है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बना, ओनली पॉजिटिव आयन, इधर पे ओनली निगेटिव आयन बना। इस कंडीशन में मतलब कि अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो पॉजिटिव आयन बना, निगेटिव सोल्यूशन आपका निगेटिव सोल्यूशन में बेसिक सोल्यूशन में डालें तो निगेटिव आयन बना, बेसिक सोल्यूशन में डालें तो निगेटिव आना आयन बना, न्यूट्रल सोल्यूशन में और डाले तो दोनों आयन बना, मतलब डाइपोलर आयन बना, निगेटिव भी बना पॉजिटिव भी बना, उसी को आप क्या बनाओगे, ज्यूटर आयन, उसको क्या बुलाएंगे, ज्यूटर आयन, इज इट क्लियर। ये था ज्यूटर आयन की कहानी। अगर आप ऐसे सोल्यूशन में डालो पार्टिकुलर pH पे, मीन्स न्यूट्रल सोल्यूशन पे क्या होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन पे क्या होगा कि एक पार्ट निगेटिव आएगा एक पार्ट पॉजिटिव आएगा, एक न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव आएगा, इसी को क्या बुलाओगे, ज्यूटर आयन। यह यहाँ तक क्लियर हो गया कि ज्यूटर आयन क्या होता है। अब ध्यान देंगे अगर मान लें हम इलेक्ट्रोड की ओर मूव करवाना चाहें, तो इलेक्ट्रोड की ओर अगर इसको मूव करवाना चाहें, मान लें कि यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मान लें कि पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो यहाँ पे एनोड क्या हो गया, एनोड पॉजिटिव हो गया, कैथोड क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर मान लिया जाए कि ये आयन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आयन किधर माइग्रेट करेगा, किधर माइग्रेट करेगा बताइए, एनोड की ओर, किधर माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर, ठीक है, पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा, और निगेटिव आयन किधर माइग्रेट करेगा, निगेटिव आयन एनोड की ओर माइग्रेट करेगा, एनोड की ओर माइग्रेट करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको रखा जाए, इसको और इसको रखा जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये किधर किधर मूव करेगा, निगेटिव चलेगा पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव करेगा निगेटिव की ओर। लेकिन अगर इसको रखा जाए, इसको ये क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिस्पॉन्स दिखाने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, अस्थिर रहेगा, नाइदर हो जाएगा पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा, इस तरह एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर भी मूव नहीं करेगा, इसीलिए उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वहाँ पे इसके लिए टर्म दिया गया है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे ही तो आपका बनता है ये, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या है, अब बात आती है कि अमीनो एसिड के प्रकार क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड का टाइप्स, ये बताने के बाद आपकी छुट्टी की जाएगी, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसको ग्रहण करें अच्छा रहेगा, इतना आपका डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ इसी के बाद जो लेक्चर आगे बढ़ेगा, प्रोटीन चलते रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, दो प्रकार का अमीनो एसिड होता है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड।
नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स ध्यान देंगे। एसेंशियल एमिनो एसिड कहता है उसको बोला जाता है विच इज सिंथेसाइज, ऐसे एमिनो एसिड जो कि हमारा बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। एमिनो एसिड जो होता है विच इज नॉट सिंथेसाइज, एमिनो एसिड विच इज नॉट सिंथेसाइज, विच इज नॉट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज नहीं होगा कहाँ पे, इन द बॉडी सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड, इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम डाइट, डाइट सोर्स से लिया जाता है इसको। कहता है अमीनो एसिड विच इज नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम डाइट, ऐसे एसिड को क्या बुलाओगे आपको, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब नॉन एसेंशियल में क्या होता है कि ऐसे नॉन एसेंशियल्स में आता है कि अमीनो एसिड विच इज सिंथेसाइज इन साइड द बॉडी, विच इज सिंथेसाइज बन जाता है इन साइड आवर बॉडी, या फिर लिविंग बॉडी इन साइड आवर बॉडी कॉल्ड, इसको क्या बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे हम एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के नाम से इसको बुलाएंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो एमिनो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल के अंतर्गत कौन आ जाएगा आप ध्यान देंगे, एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ, एग्जांपल पे मेन फोकस रखना है। नॉन एसेंशियल का एग्जांपल देखिए क्या है, नॉन एसेंशियल में आएगा सबसे पहले ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट है, बाद में इसका स्ट्रक्चर ही मैं आपको बताऊंगा, पहले आप याद कर लो ग्लाइसिन। उसके बाद है आपका ग्लाइसिन के बाद आपका आता है एलानिन, उसके बाद आप सेरिन भी लिख सकते हो, SERIN, उसके बाद है ये हो गया। इस साइड अगर आप बात करते हो कि इसमें क्या लिखें, तो इसमें लिख लीजिए ल्यूसिन हो गया, उसके बाद आपका आइसोल्यूसिन भी हो जाएंगे, आइसोल्यूसिन हो गया, फिनाइल एलानाइन, तो ये सब फिलहाल जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका एसेंशियल और ये हो गए नॉन एसेंशियल में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। आई थिंक जितना भी बात मैंने आपको बताया है क्लियरली समझ में आया होगा आपको, एमिनो एसिड के बारे में आपको बताया गया, कैसे ये आपका ड्यूटेराइन है ये बताया गया, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है एमिनो एसिड का ये बताया गया। आप इंतज़ार करें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एमिनो एसिड्स अगर लार्ज यूनिट में कंबाइंड हो जाता है बहुत सारा, इसके बाद बताएंगे आपको व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज वगैरह बताएंगे, बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग द चेन ऑफ द एमिनो एसिड, द प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।